जस्टिस इज सम ऑफ ऑल मॉरल ड्यूटी, सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट डेटा के मुताबिक 4 करोड़ केस हिंदुस्तान की कोर्ट में पेंडिंग है। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो कहते हैं आई सी यू इन कोर्ट, लेकिन यहाँ उस तरह की कोर्ट की बात नहीं करेंगे, ये मूट कोर्ट की बात करेंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ फैकल्टी में है। और अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र आता है और इस मूट कोर्ट का जिक्र आएगा तो फिर सर सैयद अहमद खान का कैसे जिक्र नहीं आएगा। बस आपको इतना बता सकते हैं कि इस लॉ फैकल्टी की शुरुआत सर सैयद अहमद खान की ज़िंदगी में हुई थी। सर सैयद अहमद खान खुद एक जज थे जो 1857 में गदर के बाद जो उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, फिर उस वक्त उन्होंने कसम खाई कि इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से कैसे भगाया जाए और यहाँ पे एजुकेशन कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लॉ फैकल्टी के डीन प्रोफेसर मोहम्मद शकील समदानी साहब। सर आपका शो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया सर, बहुत हम लोग के लिए ऑनर है कि आपने समय निकाला बिजी शेड्यूल से और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करने की आपने मतलब जहमत उठाई, ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जो अगर लॉ फैकल्टी के बारे में जाना जाए तो इन पूरे इंडिया के अंदर इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टॉप 5 के अंदर हमेशा ऑलमोस्ट होता है। जी जी, इसकी बहुत डिमांड है, बहुत सारे इंडिया के अंदर और इंडिया से बाहर लोग पढ़ने के लिए आते हैं, तो आप इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए कि बहुत सारे आपके भी स्टूडेंट आने वाले जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेंगे और बहुत से जो पढ़ रहे होंगे, जो पढ़ के चले गए होंगे लेकिन इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शायद नहीं जान पाए होंगे, शायद आज आपके जरिए मौका मिले उनको जानने के लिए, तो आप बताइए इसका। ज़्यादातर नहीं जानते हैं सर, ज़्यादातर नहीं जानते, तो सर आप इसके बारे में बताइए। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग नहीं जानते, उसकी वजह यह कि कभी इस सिलसिले में कोई कोशिश नहीं हुई। और ये इत्तेफाक है कि ये सेंटनरी सेलिब्रेशन 2020 में मनाया गया और मैं चूँकि कानून फैकल्टी का डीन हूँ तो मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी समझा कि जो हमारी लॉ फैकल्टी अब हो गई, पहले लॉ डिपार्टमेंट था, शोबे कानून था, उसकी पूरी तारीख लिखी जाए। और तो मैंने ये तय किया और जाहिर है बड़ी मेहनत मुझे करनी पड़ी क्योंकि पूरा डेटा अवेलेबल नहीं था। मैंने पूरी कोशिश की कि लॉ डिपार्टमेंट का 130 साल की तारीख यानी उसका इतिहास मरतब किया जाए। वो मैंने तकरीबन 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसको मरतब कर दिया और वो पब्लिश भी हो गया। एक चीज़ तो ये हुई, और जब पब्लिश हो गया तो जाहिर है कि बहुत अच्छा पब्लिश हुआ और जो उसके एडिटर ने उसको शाया किया तो उनका शकील साहब मेरे पास रात के 1:30 बजे अमेरिका से मैसेज आया कि आज हमको ला फैकल्टी की पूरी तारीख मालूम हो गई, पूरी हिस्ट्री मालूम हो गई। तो हमारी जहाँ तक शोबे कानून का जिक्र का ताल्लुक है, ये 1891 में कायम हुआ था। 29 दिसंबर 1891 को जस्टिस डगलस साहब ने लॉ की क्लासेस का इनॉग्रेशन किया था, उसका इफ्तिताह जी सर सैयद अहमद खान साहब की ज़िंदगी में और सर सैयद साहब की ज़िंदगी में हुआ था। और ये हमारा वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिपार्टमेंट है हिंदुस्तान के, जो वो कदीम तरीन लॉ कॉलेजेस हैं उनमें हमारा शुमार होता है। तो ये सर सैयद के ज़माने में इनॉग्रेट हुआ और इससे पहले 1890 में एक कमेटी सर सैयद ने बनाई थी जिसमें जस्टिस स्ट्रेची साहब थे और सैयद महमूद थे और भी एक साहब और थे, इन 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी कि लॉ कॉलेज का क़याम किया जाए। तो उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात दी और उसके बाद ये कॉलेज का क़ायम हुआ। तो सर सैयद अहमद ख़ान बज़ात ख़ुद सब जज थे, उनका ताल्लुक़ कानून से था, वो हिंदुस्तान में बहुत सी जगह पर जज के तौर पे काम कर चुके थे। उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन लॉ में है कि बहुत से कानून, आपने काजी एक्ट का जिक्र सुना होगा, काजी एक्ट वो सर सैयद की मेहनतों से कोशिशों से हुआ था। चेचक का टीका लगाने का कानून बना था पूरे मुल्क के लिए, जैसे आज पोलियो ड्रॉप का होता है, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ होता है, हिंदुस्तान में अरबों खरबों रुपया खर्च होता है, चेचक का टीका लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो सर सैयद की कोशिश थी। उसके अलावा सर सैयद के ज़माने में एक कानून ये था,
अंग्रेज़ों का कानून था कि सिविल केसेस में, यानी दीवानी मामलात में, अगर दोनों पार्टियां एक इंडियन है एक फॉरेन तो चल जाता था, लेकिन फौजदारी मामलात में अगर दूसरी पार्टी अंग्रेज़ है तो जज सिर्फ अंग्रेज़ हुआ करता था। सर सैद ने इसके खिलाफ लिखा, फोर्सफुली लिखा, अंग्रेज़ों को कन्विंस किया और उसके बाद वो कानून ख़त्म हुआ कि चाहे फौजदारी मामला हो चाहे दीवानी मामला हो, अगर अंग्रेज़ या इंडियन हैं तो कोई भी जज हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ अंग्रेज़ जज होगा। ये कितनी बड़ी तफरीक थी, डिस्क्रिमिनेशन था कि साहब अगर फौजदारी मामला है तो जज अंग्रेज़ होगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि सर सैद बज़ात खुद जज थे, कानून से वाकफियत थी और कानून का बहुत एहतराम करते थे और वो ये समझते थे कि कानून के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने 1891 में लॉ कॉलेज का क़याम किया। हमारे पहले जो यहाँ के प्रोफेसर थे करामत हुसैन साहब थे, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनकी तनख्वाह 300 रुपये रखी गई थी और उनके लिए स्पेशल मराद थी कि जब वो इलाहाबाद से यहाँ आएंगे तब क्लासेस होंगी और जब वो चाहेंगे क्लासेस होंगी, जब वो चाहेंगे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हुई। उनके बाद जो हमारे नेक्स्ट प्रोफेसर हुए साहिबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान, जो बहुत रेनाउंड आदमी थे, जिनके नाम पे आपने हॉस्टल देखा होगा, उनकी तनख्वाह 300 रुपये रखी गई। वो भी एडवोकेट थे। लॉ से थे, उनको प्रोफेसर बनाया गया यहाँ पर। तो 1906 तक वो यहाँ पर है, उनकी तनख्वाह 300 रुपये रखी गई, लेकिन चूंकि कॉलेज माली दुश्वारियों से परेशान था तो वो आधी तनख्वाह अपनी जो है कॉलेज को दे दिया करते थे, यानी 150 रुपये वो तनख्वाह लेते थे। ये एक बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आजकल चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे प्रोफेसर्स हों, चाहे जो भी हो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो तनख्वाह और इसकी बातें करते हैं, कुर्बानी का जज्बा मिसिंग है। तो उस वक्त साहिबजादा आफ्ताब साहब आधी तनख्वाह कॉलेज को दे दिया करते थे, आधी में गुजर बसर करते रहते। तो ये हमने ख़ास तौर से आपको बताना समझा। सर, आपने जिस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, और आप मुझे ये बताइए कि जो अचीवमेंट्स हैं आपके लॉ फैकल्टी के, वो जैसे कुछ एलुमनाई वगैरह हैं, आप उनके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है, एलुमनाई के बारे में बता दूंगा, एक चीज़ और रह गई कि जब यहाँ लॉ क्लासेस शुरू हुई तो उस वक्त मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन थी, यानी हाई स्कूल थी। उसके और यूनाइटेड प्रोविंस की गवर्नमेंट ने 40 वजीफे जो है लॉ वालों के लिए दिए गए थे और वो 4 रुपये महीने के हिसाब से, यानी कि वो भी लॉ की इंपॉर्टेंस को समझते थे। तो उन्होंने नंबर 1 तो मैट्रिकुलेशन रखा और नंबर 2 40 स्कॉलरशिप रखी ताकि लोग लॉ की तालीम हासिल करें। ये एक अलग बात है कि आगे चल के स्टैंडर्ड बढ़ाने की वजह से मैट्रिक इसकी जो है मैट्रिक से बढ़ा के ग्रेजुएशन कर दी गई मिनिमम क्वालिफिकेशन। जहाँ तक अलुमनाई का ताल्लुक है, ओल्ड बॉयज़ का ताल्लुक है, तो हमारे तो बहुत बड़े बड़े ओल्ड बॉयज़ हैं, पूरी दुनिया में ओल्ड बॉयज़ फैले हुए हैं। हिंदुस्तान में जो मॉडर्न लीगल एजुकेशन है, जिसका फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन जिनको कहा जाता है, प्रोफेसर NR माधव मेनन, वो हमारे यहाँ के प्रोडक्ट थे, यहीं से LLM किया उन्होंने, एंड ही वॉज द फर्स्ट PhD ऑफ आवर डिपार्टमेंट, वो हमारी फैकल्टी से पहले PhD थे। प्रोफेसर NR माधव मेनन से बड़ा नाम पूरे हिंदुस्तान में लीगल फील्ड में नहीं है, और मुझे फ़ख्र है कि वो सर सैद के बनाए हुए इदारे यानी शोबे कानून से उनका ताल्लुक़ था, और यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट दिया। यानी लॉ की हालत बहुत ख़राब थी तो 3 साल के लॉ की जगह उन्होंने BA LLB ऑनर्स 5 ईयर्स का कोर्स दिया और बेंगलोर में यूनिवर्सिटी बनाई, फिर उसके बाद कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई। उनको पद्मश्री भी मिला और मरने के बाद पद्म भूषण भी मिला। तो हमें इस बात का खुश है कि मेरा डिपार्टमेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शोबे कानून को इस बात का फ़ख्र है कि जो फादर ऑफ मॉडर्न लीगल एजुकेशन है वो इसी फैकल्टी के से ताल्लुक़ है, इसी डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक़ है। और एक और अलुमनाई का नाम बताऊं मैं आपको, प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब का नाम सुना होगा आपने, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। तो हमारे बहुत बड़े बड़े अलुमनाई हैं। आजकल आपने देखा होगा हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा दोस्त भी हैं, हमसे छोटे भी हैं, बहुत अच्छे हमारे मरासिम हैं।
फैज़ान मुस्तफ़ा साहब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, दो बार रह चुके हैं, उसके अलावा बहुत सी सारी चीज़ों में हैं। उसके अलावा हमारी फैकल्टी से आपने अनीस अंसारी साहब का नाम सुना होगा, जो सीनियर आईएएस थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ में उसके वाइस चांसलर थे। वज़ीर अंसारी साहब का नाम सुना होगा, डीजीपी थे। मेरे क्लास फेलो अहमद पयाम सिद्दीकी साहब हैं, वो आईपीएस हैं। उसके अलावा मेरे क्लास फेलो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं, वो पंजाब कैडर के आईपीएस रह चुके हैं। तो बड़े बड़े लोग हमारी फैकल्टी से निकले हैं। जजेस की बड़ी तादाद है, तंजानिया और कई मुल्कों के चीफ जस्टिस इसी डिपार्टमेंट के रह चुके हैं, कई दूसरे मुल्कों के चीफ जस्टिस हमारे ही ओल्ड बॉय हैं। सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस रह चुके हैं, जस्टिस बहरुल इस्लाम साहब, जस्टिस आरपी सेठी साहब, जस्टिस मुर्तजा फजल अली साहब, जस्टिस सगीर साहब, ये चारों सुप्रीम कोर्ट के जज हमारे यहाँ के हैं। तो एक बड़ी तादाद हमारे ओल्ड बॉयज की फैली हुई है। कहाँ कहाँ तक किसका किसका जिक्र किया, हर दौर में कंट्रीब्यूशन रहा है लॉ फैकल्टी का जब से बना। तो सर इसके जो अगर आपको देखा जाए आजकल के दौर में जो स्टूडेंट हैं लॉ के वो जो पढ़ रहे हैं, तो पिछले जो अचीवमेंट्स हैं जो पढ़ के निकले हैं जैसे अभी आपने जिक्र किया, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं बच्चों को मैसेज ये दूंगा कि अगर अब मेरी राय मान लें, मैं जितने वेबिनार सेमिनार, मैं बहुत सेमिनार्स वगैरह में पब्लिक स्पीकिंग में जाता हूँ, आवाम से मेरा बहुत बड़ा रिश्ता है। अभी जो गेस्ट आए हैं यही कह रहे थे कि साहब आपसे मेरी कई बार मुलाकात होगी, तो मैंने कहा आप मुझे जानते होंगे लेकिन मुझे याद नहीं है क्योंकि मेरी बहुत मुलाकात होती है। देखिए इस वक्त लीगल प्रोफेशन माइनॉरिटीज़ के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, दलित्स के लिए, ओबीसीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन पेशा जो है वो कानून है, क्योंकि कानून के सहारे आपको इंसाफ मिल सकता है। तो मैं आवाम को और ख़ासतौर से नौजवानों से ये कहता हूँ, और मैं पिछले 14-15 साल से पूरे मुल्क में अपनी तकरीर के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए इस बात का मैसेज दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, या यूँ कहिए कि आंदोलन चला रहा हूँ कि अगर आपको इंसाफ पाना है तो आपको अपने अच्छे बच्चों को, ख़राब नहीं कूड़ा करकट नहीं, अच्छे बच्चों को लीगल प्रोफेशन में लाना होगा। मेरा बेटा ये अब्दुल्ला संदानी बैठा है, इसने पिछले साल लॉ किया है, मैंने इसको लीगल प्रोफेशन में डाला, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ से किया। अब ये दिल्ली हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गए हैं, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम भी पास कर लिया है, अब ये इत्तेफाक से लॉ सोसाइटी के सेक्रेटरी भी थे अब्दुल्ला संदानी साहब। तो मैंने खुद घर से शुरुआत की, जैसे ही एलिजिबल हुए मैंने कहा तुम लॉ करो। तो मेरा मैसेज है सारे लोगों से कि वो अगर 2-3-4 बच्चे अगर हैं तो कोशिश करें कि एक बच्चा जो है कानून में जाए, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, उसमें अगर आप कानून नहीं जानते तो आपको इंसाफ के चांसेस बहुत कम हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दुनिया के टॉप के 5 प्रोफेशंस में से लीगल प्रोफेशन 1 of the 5 प्रोफेशंस है, यानी 5 जो इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन वर्ल्ड में हैं उसमें कानून का प्रोफेशन एक है, और स्काई इज़ द लिमिट, इसमें स्काई इज़ द लिमिट है। अगर आप गर्मी में जाएं, जाड़े में जाएं, तो आपको मालूम होगा कि दिल्ली के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादातर जजेस जो हैं फॉरेन घूमने जाते हैं, करोड़ों नहीं अरबों रुपए वो कमा रहे हैं। इसमें स्काई इज़ द लिमिट है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी तरक्की देंगे। तीसरी चीज़ प्रोफेशन की ख़ास बात यह है कि इसमें आपको जॉब नहीं मांगना, किसी से नौकरी नहीं मांगना, आप नौकरी खुद देते हैं। आप यहाँ से लॉ करिए, उसके बाद एग्ज़ाम पास करिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ज़ीरो से शुरू करिए और कहीं भी जा सकते हैं। बाकी प्रोफेशन में आपको इम्तिहान देना है, इंटरव्यू देना है, बहुत से पापड़ बेलने हैं, सीटें लिमिटेड हैं, यहाँ तो आप जाइए और शुरू कर दीजिए। अब जैसे मेरा एक स्टूडेंट है फैसल शेरवानी, फैसल शेरवानी का अभी इंडिया के जो जूनियर लायर्स हैं, यंग लायर्स में उसको 40 लायर जो इंडिया के हैं उसमें हमारा बहुत ख़ास शागिर्द रहा है फैसल शेरवानी, उसका जिक्र हुआ है और वो अभी कई मैगजीन्स में जिक्र उसका हुआ है। तो फोर्स में, फोर्स मैगजीन जो है FORBS, उसमें उसका जिक्र है कि इंडिया के टॉप के जो 40 लायर्स हैं उसमें फैसल शेरवानी भी है। और मुझे फख्र है कि मेरा बहुत ख़ास शागिर्द है, मुझसे खसूसी उसको मोहब्बत है, मुझे उससे खसूसी मोहब्बत। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने, जैसे कि आपने अभी बताया बच्चों के बारे में, एक आपने बेहतरीन मैसेज दिया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप माशाल्लाह से डीन भी हैं इस लॉ फैकल्टी के, तो आप यहाँ पे कई साल प्रोफेसर, एज ए प्रोफेसर भी काम किया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम किया होगा, फिर प्रोफेसर हुए होंगे आप, तो आपकी जो जर्नी रही है यूनिवर्सिटी के साथ,
आप यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, आपने 12वीं तक जो है यूपी बोर्ड से पढ़ा, उसके बाद से जो फिर एमयू में आप आए, तो फिर एकदम दिन तक का सफ़र, इसके बारे में बताइए कि कैसे क्या रहा। इससे कबल की मैं सफ़र के बारे में बताऊँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे यहाँ पर अभी मैं अचीवमेंट बता रहा था, तो मेरा खुद रिसर्च स्कॉलर एक है निजेंद्र कुमार, उसने पिछले ही साल हायर एजुकेशन हायर जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया, अब वो डायरेक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बना है। मेरे 2018 में हमारी फैकल्टी के 26 बच्चों ने यूपी जुडिशरी क्वालीफाई किया, उत्तर प्रदेश में जज बने, 8 बच्चों ने बिहार क्वालीफाई किया, उत्तराखंड में एक बच्ची अकमल अंसारी है, बहुत मामूली घर से आई थी, बहुत गरीब, वो जज बनी। अभी आशा फरीन एक बच्ची बनी है, 2 बच्चियां दिल्ली में जज बनी है, एक लड़का मसूद अहमद है वो बंगाल में जज बना है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। तो निजेंद्र कुमार का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जब निजेंद्र कुमार हमारा रिसर्च स्कॉलर था, जब यहाँ पर आया तो बेचारा बड़ा परेशान था। उसने कहा, सर हम आपके अंडर में पीएचडी करना चाहते हैं, हमको आप ले लीजिए। मैं उसको नहीं जानता था, कुछ नहीं जानता था, लेकिन मैंने पहला जुमला उसको कहा कि ओके तुम हमारे अंडर में कर सकते हो। वो देखने से आप देखेंगे कि भाई होता है कि किसी का कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है किसी से, कोई शोर सिफारिश नहीं है, तो मैंने उसको लिया। तो हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो नया कैडर है, नए बच्चे हैं, वो क्वालिफाई कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया कि मुझे यहाँ पर 30 साल तो एज ए टीचर हो गया, एग्जैक्ट 30 साल मुझे यहाँ पर, 30 साल से ज़्यादा हो गया पढ़ाते हुए, और 10 साल मैं स्टूडेंट रहा, यानी 40 साल का सफ़र है। 40 साल के सफ़र में मैं एक चीज़ कहता हूँ, फ़ख्रिया कहता हूँ, और लोगों को इंस्पायर करने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं सर अलीगढ़ ने मुझे क्या दिया, कुछ नहीं दिया, अगर मैं अलीगढ़ नहीं आता तो फलां होता, फलां हमारा साथी बाहर चला गया। मैं कहता हूँ मैं, सर सुनो ये तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, अलीगढ़ ने तुमको ये दिया है कि तुम अपनी पर्सनल फाइल जो तुमने हॉस्टल में भरी थी पहले रोज़, पर्सनल फाइल जो हॉस्टल में भरता है बच्चा, लिखता फ़ोटो लगाता है, मैंने कहा जाओ उस पहले फ़ोटो को देख लो और अब को देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि अलीगढ़ ने तुम्हें क्या दिया है। तुम अपनी उस शक्ल को पहचान नहीं सकते तुमको क्या दिया, सिर्फ एक फ़ोटो से तुम्हें एहसास होगा कि अलीगढ़ ने तुमको क्या दिया है। तो ये बिल्कुल झूठ है। मुझे जो कुछ भी मिला है सर सैद किस इदारे से मिला है, लॉ फैकल्टी से मिला है, इसी यूनिवर्सिटी से मिला है। और ये एक अलग बात है कि मैंने बड़े नशेब व फराज देखे हैं, उतार चढ़ाव बहुत देखा है, बुरे से बुरा वक्त देखा है, अच्छे से अच्छा वक्त देखा है, लेकिन मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और कभी भी अल्लाह को नहीं छोड़ा। मेरे ऊपर जब भी कोई मुसीबत आई, कोई परेशानी आई, मैंने अल्लाह को याद किया। और इसी यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे लोगों की तादाद भी है, जहाँ हर तरह के लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे भी बुरे हैं, आप चाहें तो अच्छों का साथ बना लें, आप चाहें तो ख़राब का साथ लें, आप चाहें तो सियासतदानों के साथ हो जाएं, आप चाहें तो एकेडमिशियन के साथ में हो जाएं। बहुत से अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छे टैलेंटेड थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी की सियासत में पढ़ के अपना ईमान भी ख़राब किया, अपना सब कुछ ख़राब किया, और एकेडमिक्स भी ख़त्म हो गई। तो मैं तो समझता हूँ कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम ने सब कुछ दिया, सर सैद के इदारे ने दिया, और मैं न सिर्फ सर सैद से मुतासर हूँ, जस्टिस महमूद से मुतासर हूँ, बल्कि सर सैद दो लोगों से बहुत चाहते थे, टीपू सुल्तान शहीद को बहुत चाहते थे, वो उनसे इंस्पायर थे, और राजा राम मोहन राय दोनों से भी मुतासर हूँ। और आपने टीपू सुल्तान ब्लॉग देखा होगा स्टाफ क्लब के सामने, टीपू सुल्तान ब्लॉक है, मेरा एक छोटा सा फोरम है सर सैद अवेयरनेस फोरम, जो हमने 2004 में कायम किया था, अल्लाह के फल से 16 साल में कम सर सैद अवेयरनेस फोरम के ज़रिए टीपू सुल्तान ब्लॉक एक बन गया, जो टीपू सुल्तान की शहादत के बाद यानी 1799 के बाद 2015 यानी 216 साल में नॉर्थ इंडिया में अगर टीपू सुल्तान के सिलसिले में कोई काम हुआ है तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है, और इस बिल्डिंग का नाम टीपू सुल्तान ब्लॉक रखा गया, जो बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस एंगल से, तारीखी एंगल से देखें, टीपू सुल्तान के काम को देखें, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। ये तो वही है कि मानो तो भगवान नहीं तो पत्थर, अगर आप समझो कि काम बहुत बड़ा हुआ तो किस कहीं नहीं हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ, किसी ने नहीं किया, सर सैद अवेयरनेस फोरम ने नहीं किया, ने किया किया तो अगर आप माने तो बहुत कुछ है, नहीं तो आप कहें कि अरे शकील सन्नाई साहब ने क्या किया, ऐसी बिल्डिंग है तो बहुत, इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। जिस तरह आपने पूरी बात को बताया,
एक बहुत मजाहिया सवाल के लिए, या एक सवाल है ये भी कि आपने यहाँ से लॉ किया, BLLB करी, LLM करा आपने, PhD किया, और उस वक्त कोई ना कोई डीन रहा होगा एक लंबे सफ़र में, कितने सारे डीन बदले होंगे आपके उस स्टूडेंट लाइफ में, और आज आप डीन हैं। सोचा था आपने फर्स्ट डे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं सोचा। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मैं डीन बनूंगा, और ये मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा मुकर्रर बनूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक कामयाब टीचर रहूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक सोशल वर्कर बनूंगा। ये मेरे अल्लाह का करम है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समरा है, सर सैयद का समरा है इस यूनिवर्सिटी का, कि मैंने सोचा नहीं था। और अब जब बन गया हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो जो काम नहीं हुए हैं, जैसे इत्तेफाक से ये देखिए मेरे सामने ये न्यूज़लेटर है, ये न्यूज़लेटर है, ये लॉ सोसाइटी की तरफ से पब्लिश किया जाता है, ठीक है, और ये न्यूज़लेटर पिछले साल शाया हुआ है। ये न्यूज़लेटर में एक साल की पूरी हमारी रुदाद होती है, हम सारे हम क्या क्या काम करते हैं, एक साल में क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो सारी चीज़ें हैं, अचीवमेंट है वो मौजूद है इसमें, ठीक है। इसको हमने जब पब्लिश किया तो आप यकीन मानिए कि जहाँ भी ये न्यूज़लेटर गया है, ये USA भी हमने भेजा है, इंग्लैंड भी भेजा है, हिंदुस्तान में जजेस को भेजा है, इसमें बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू वगैरह सब हैं, इसको बाद में आप इसको ले सकते हैं, इसमें वेबिनार का जिक्र है, सारी चीज़ें हैं। ये जहाँ भी हमने दुनिया में भेजा, ज़्यादातर जगह से अप्रिसिएशन आया कि शकील साहब आपने बहुत अच्छा निकाला है। मैं शकील साहब क्रेडिट नहीं लेंगे, लॉ सोसाइटी जो यहाँ की है उसको क्रेडिट दूंगे, और उसके जो जो डायनेमिक सेक्रेटरी, डायनेमिक बेटा होना एक अलग बात है, डायनेमिक सेक्रेटरी अब्दुल्ला समदानी है जिन्होंने ये निकाला है, मैं मुबारकबाद देता हूँ, ये बहुत अच्छा है। इस साल की भी कोशिश करूँगा कि ऐसा है तो कोशिश, और इसमें जो है हमने इस बात की कोशिश की कि कुछ चीज़ें फैक्चुअली गलत थी, तथ्यों के आधार पर गलत थी, तो हमने उसको भी सही करने की कोशिश की है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने की, ये देखिए मैंने 130 साल की हिस्ट्री लिख दी है लॉ फैकल्टी की, है हिस्ट्री ऑफ लीगल एजुकेशन एट दी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसमें हमने बहुत सी चीज़ों को समोने की कोशिश की है। इस ये आर्टिकल पब्लिश इंशाल्लाह हो जाएगा तो आपको 1890 से लेके 1920 तक की पूरी तारीख मालूम हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ है, एक चीज़ मैं भूल जाऊँगा, हो सकता है टाइम कम हो जाए। इस बिल्डिंग को आपने देखा, ऊपर एक दो बड़े बड़े हॉल बने हैं, हफीज़ुर रहमान ब्लॉक। ये प्रोफेसर हफीज़ुर रहमान साहब हमारे पहले डीन थे, ये 1952 से लेके 1960 तक चेयरमैन रहे, और उसके बाद वो डीन बन गए, और इन्हीं के शागिर्द प्रोफेसर NR माधव मेनन थे। उन्हीं की याद में उनकी फैमिली के लोगों ने ऊपर दो बड़े हॉल बनाए हैं और 34 लाख रुपए की खती रकम दी है। उन्हीं के बेटे प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब हैं। इसको आप कुछ और मत लीजिएगा, ये मैं इसलिए बता, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस ये कि इंस्पायर हों लोग कि अगर वाइस चांसलर साहब अपनी जेब खास से, हफीज़ुर रहमान साहब के बच्चे अपनी जेब खास से 34 लाख रुपए दे सकते हैं, तो और लोग भी दे सकते हैं जिनके पास इनसे ज़्यादा पैसे हैं। तो ये बताना मुझे ज़रूरी था कि पिछले साल 18 अगस्त को इनाग्रेशन हुआ हफीज़ुर रहमान ब्लॉक का, जो कि वाइस चांसलर साहब ने किया, तो हफीज़ुर रहमान साहब की फैमिली ने उसको पूरा कंट्रीब्यूट किया और 34 लाख रुपये दिया। उसके अलावा जो है पिछले 3-3.5 साल में मौजूदा वाइस चांसलर तारिक मंसूर साहब के ज़माने में यहाँ पर देखिए 7 आपको स्मार्ट रूम मिलेंगे, 7 स्मार्ट रूम दिएंगे इनके ज़माने में हुआ। ऊपर लाइब्रेरी का एक्सटेंशन हुआ, मेरे लाइब्रेरी का एक्सटेंशन हुआ है, ऊपर दो बड़े बड़े हॉल बने हैं, रिसर्च ब्लॉक बना है, वो इनके ज़माने में हुआ है। तो ये बताना कि हमारी फैकल्टी ने ग्रो किया है, मुझसे जो हो सकता है मैं करता हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, बताना इसलिए है कि अब ये दुनिया भर में जाएगा। आपका बहुत ज़बरदस्त हिंद राष्ट्र है, आपका हिंद राष्ट्र में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लाइकिंग है, व्यूअरशिप बहुत है हिंद राष्ट्र की है। तो मदसी साहब आपकी मोहब्बत है सर, शर्जील और यह सारे लोग हैं, आपका शुक्रिया, आपने मुझसे ज़बरदस्ती काम ले लिया आज, तो इसके ज़रिए जाएगा, इसलिए हम इस रिकॉर्ड को सही करना चाहिए। व्यूअर्स हमारे सर इम्पॉर्टेंट है और उनके लिए अच्छा वक्त ही चाहिए, और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर लॉ के बारे में कोई नहीं बोलता। तो ये बताना ज़रूरी था कि हमारी फैकल्टी ग्रो कर रही है,
मैक्सिमम हमारे टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे रिसर्च में अच्छे निकले। रिसर्च स्कॉलर की तादाद इस वक्त हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा हो गई। देखिए इस वक्त हमारे यहाँ 2018 तक अलीगढ़ में 100 एडमिशन होते थे और दोनों सेंटर्स मलापुरम और मुर्शिदाबाद में 60-60। कोशिश सभी की थी, लेकिन हमारा 10-12 साल से बहुत कोशिश थी कि सीटें बढ़ जाएं। 150 सीट में करना चाहता था, लेकिन अल्लाह के फजल से 2018 में ये 120 सीटें हो गई, यहाँ पर हो गई। और अब जो ओवर एंड अबव हैंडीकैप वगैरह लेके इस वक्त 135 एडमिशन हमारे यहाँ हो जाते हैं। और उसके अलावा LLM में सिर्फ 25 सीटें थी, कोशिशों से LLM भी 35 सीटें हो गई हैं। तो अलहमद और PhD में इस वक्त 100 से ज़्यादा बच्चे PhD कर रहे हैं। एक और ज़खीरा हमारी लाइब्रेरी, बहुत अहम लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में तकरीबन 35,000 किताबें, 35,000 किताबें हैं। दुनिया के बड़े बड़े जर्नल्स आते हैं, हमने कई वेबसाइट, ये लॉ की लाइब्रेरी की बता, लॉ की लाइब्रेरी में 35,000 किताबें हैं। और हम जितनी टॉप की वेबसाइट्स हैं उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, कई लाख रुपए उसमें जाता है ताकि बच्चे जो हैं उनसे इस्तेफादा है। एक और बात बताऊं कि मेरी लाइब्रेरी में 900 डिजर्टेशंस हैं। LLM में डिजर्टेशन लिखी जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा ज़खीरा फैमिली लॉ यानी मुस्लिम लॉ का, मैं भी मुस्लिम लॉ का टीचर हूँ, LLM मैंने मुस्लिम लॉ में किया है। तो ये बताने में फ़ख्र है कि हमारी मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे कानून में 900 डिसर्टेशन में बड़ी तादाद मुस्लिम लॉ के ऊपर भी डिसर्टेशन की है। तो ये भी एक हमारा तुरह इम्तियाज़ है। और बड़ी तादाद में हमारे यहाँ टीचर्स हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब उनका जिक्र तो कभी और आएगा तो हम करेंगे। सर इसमें एक बस अब बात वक्त कम होने की वजह से कंक्लूड किया जाए, और क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो चाहते हैं कि बहुत सी चीज़ों को वो देखना चाहेंगे, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए। तो एक इसमें सर इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा था आपके CV को देखकर, और देख रहा था कि आपकी महारत, तो उसमें पूरी एक 40 पेज की CV है, शायद अच्छा खासा टाइम रिसर्च में मेरा निकल गया। हाँ, लेकिन आज के करेंट सीनियर को देखा जाए कि जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, ये दो चीज़ पर आपकी बेहतरीन रिसर्च है, और एक कम्युनिटी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेके थोड़ी अवेयरनेस कम है, और उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनको बहुत नुकसान होता है, इस पर आप एक कंक्लूटिव बात बताएं कि एक आम इंसान इस चीज़ को कैसे समझे। देखिए मैं एक बात सारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि हम मसाइल बहुत हैं, कानून की खिलाफ वर्जी होती है, हर स्टेज पर होती है, पॉलिटिकल होती है, सोशल होती है, हर जगह होती है, तो कानून को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, इतने बड़े मुल्क में सब लोग कानून कैसे जाने। एक बहुत पुरानी मैगजीन में एक लॉ है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी अगर आप कानून नहीं जानते तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपने मर्डर किया आपको फांसी होगी, सजा मिलेगी। तो हमें सबसे बड़ी इस वक्त जरूरत यह है कि सोशल वर्क में हम लोग आए, सोशल वर्क में आए और लीगल अवेयरनेस लोगों में पैदा करें। लोग छोटे मोटे जुर्म कर देते हैं, फंस जाते हैं, वो कहते हैं साहब हमको मालूम नहीं था। मालूम होना चाहिए, लीगल अवेयरनेस जरूरी है, कानून की जानकारी जरूरी है, हम सबको चाहिए कि कानून लोगों तक पहुंचाइए। आप पूछ रहे थे सर, सैयद अहमद खान जब मुरादाबाद में थे तो वहाँ पे बच्चों को जबरदस्ती चर्च में भेजा, तब सर सैयद ने इंटरप्ट किया था कि आप किसी को जबरदस्ती चर्च में नहीं भेज सकते, तब इससे वहाँ पे राजा राम मोहन राय उनसे इंस्पायर हुए थे इस चीज़ को देखते हुए। तो इसी तरीके की अवेयरनेस की जरूरत है कि कॉमन नॉलेज सबको होना चाहिए। देखिए लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं एक सजेशन करूँगा। देखिए हमारे उलमाए कराम जुमे का खुतबा देते हैं, ठीक है ना, वो उनकी जो नॉलेज है वो देते हैं। जुमे का खुतबा इसलिए पूरी उम्मत के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना कि पहली बात तो लोगों को चाहिए कि मस्जिद में खुतबे का अहतमाम करें, और जो खतीब है, जो इमाम है, वो कोशिश करे कि समाजी मामलात को वहाँ पर रखे। खाली वो इधर उधर की बातें बहुत सारे में जो, अब जैसे हमारे एक दोस्त हैं प्रोफेसर सऊद आलम कासमी साहब, उन्होंने खुतबात जुमा किताब लिखी, यानी 52 हफ्ते होते हैं साल भर में, 52 हफ्ते की मुनासिबत से, 52 जुमे की मुनासिबत से उन्होंने खुतबात लिखे हैं। तो उसमें समाजी चीज़ें भी हैं, उसमें और चीज़ें भी हैं,
उसमें कानूनी पर देखिए इस्लाम जानते को फैला है, इस्लाम और चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा दो तीन चीज़ों फैला है, एक तो इस्लाम में इंसाफ का कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। दूसरी बात, इस्लाम मसावात से पहुँचा, बराबरी है, न काले को कोई फौकियत है गोरे पे, न गोरे को कोई फौकियत है काले पे, न अरबी को अजमी पे, न अजमी को अरबी पे, किसी को फौकियत हासिल है तो तकवे की बुनियाद पर। तीसरी चीज, इस्लाम ने औरतों को बहुत हकूक दिए, बहुत ज्यादा दिए, तो इससे आज पूरे वर्ल्ड में औरतें कन्वर्ट हो रही हैं। खदीजा रजी अल्लाह अन्हु को देख लीजिए, जिन्होंने बिजनेस, बड़ी बिजनेस, हजरत आयशा को देखिए, उनसे बड़ा लॉ वीवर कोई नहीं है। हजरत आयशा हजरत अल्लाह ने उनसे बड़ी खातून पढ़ी लिखी नहीं थी इस्लाम में, उनकी वजह से पूरी दुनिया में औरतों तक इस्लाम पहुंचा। अल्लाह के रसूल से सवाल पूछती थी, वो बताती थी, तो मदीना की औरतों को मालूम होता था, उसके अलावा पूरी उसके साथ पूरे वर्ल्ड में पहुंचा वो। तो हमारे यहाँ लीगल अवेयरनेस की बेहद ज़रूरत है, सोशल वर्क की बहुत ज़रूरत है, और जिनको बोलना आता हो, जिनको समझ हो, वो अपना गाढ़ा वक्त निकाल के थोड़ा सा, ओम के लिए, अपाउम का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है, हमारे जो हिंदू भाई भी हैं, मुल्क के लोग हैं, सभी को, जो गरीब आदमी को कोई मजहब नहीं होता, गुरबत से ख़राब कोई चीज़ नहीं होती, गुरबत में ईमान जाता रहता है। जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उनको न सिर्फ हम लीगल अवेयरनेस दें, कानून की जानकारी दें, बल्कि उनको दीनी तालीमात भी दें, उनको और बातें भी बताएं, ये मदद करें, अपनी गाड़ी और हलाल कमाई से उनकी मदद करें। ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, और जो लोग करना चाहते हैं कर रहे हैं। मैंने ये फोरम, सरसीद अवेयरनेस फोरम जो बनाया, वो इसीलिए बनाया है कि इसके थ्रू बहुत कुछ काम हो सकता है। मुझे बोलना आता है, मैं मैक्सिमम जाता हूँ बोलने। सर, आपने इतनी कीमती वक्त निकाल के हमसे बात किया, और आपका बहुत शुक्रिया hindraz.com से बात करने के लिए। नहीं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, और इंशाल्लाह ये हज़ारों लाखों लोगों तक जाएगा। और मैंने आपकी hindraz.com का वो देखा, वेबसाइट देखी, और वो व्यूअरशिप देखी, वो बहुत है। हाँ, तो बहुत है, और हमारी ऑडियंस जो है, जो भी आती है तो पूरी वीडियो देखती है, उस पर काफ़ी वो अपना वक्त लगाते हैं, उनको पता है कि यहाँ से जो है एक से प्रोफेसर और वक्ता मिलेंगे देखने के लिए। नहीं, मैंने ये देखा, जिस तरह से आज आपने, इन्होंने दो, अभी व्यूअर्स को बताना ज़रूरी है, 2-2.5 घंटा इन्होंने इसको सेटअप लगाया, बहुत कल 2-2.5 घंटा लगाया, तो ये मेहनत भी करते हैं, तो मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और मैंने बताया कि लॉ में भी मेहनत, स्काई इज़ द लिमिट। तो मेरे अजीज साथियों, मैं भी शुक्रगुजार हूँ hindraz.com का, मदसिर का, hindraz की पूरी टीम का है, कि आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, और इंशाल्लाह आप जिस लायक भी मैं हूँ, मैं और भी, अब जैसे बता दूँ, मैंने तकरीब, मैं 3 जुबानों में लिखता हूँ, उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, 300-400 आर्टिकल है मेरे, तो मेरी नॉलेज भी बहुत, सरसीद के ऊपर मेरे 50 आर्टिकल है, सरसीद से बोलता हूँ। तो आपको किसी और चीज़ पे भी, सरसीद के ताल्लुक से हो, यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से हो, यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के ताल्लुक से हो, मैं जनरल एजुकेशन सेंटर का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, मैं दोनों सेंटर्स, जो मलापुरम और किशनगंज का भी कोऑर्डिनेटर हूँ, तो आप जब चाहें, मेरे फैकल्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, मेरे घर के दरवाजे खुले हुए हैं, मेरे दिल के दरवाजे खुले हुए हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। और आपने hindraz.com के लिए सारे दरवाजे खोल दिए, और ये आपने hindraz.com के लिए खोल दिए, तो हमारे व्यूअर्स तक के लिए भी, जो यहाँ इंडिया के और पूरे दुनिया से देख रहे होंगे, उनके लिए भी दरवाजे खुल गए कि वो जब मैं जाऊँगा तो वो भी देख पाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अब सर से हमने बात कर ली, और बस अब आपका काम है कि जैसे एमयू हैंगेज या स्माइल स्टोन पे हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे हमने Day 1 पे चलाया था, कि उस दौर में जब सर सैयद अहमद खान ने एक मदरसे के जरिए यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी, तो फिर लाइफ साइंस फैकल्टी खुला, और उसके बाद से फिर उस पर हमने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं, वो भी डीन साहब थे, उनका भी बहुत बड़ा सफ़र रहा था। और उसके बाद फिर हमने सर सैयद अहमद खान के रिटायरमेंट के ऊपर बनाई वीडियो, यहाँ के एक्स PRO रह चुके हैं फॉर्मर, और उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर रह चुके हैं, उनकी आप वीडियो देख सकते हैं कि सर सैयद ने रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी कैसे गुजारी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान का जो नुकसान हुआ था 1857 में उनके फैमिली का, और उन्होंने ये सारे तमाम जगह, उन्होंने अंग्रेज़ों का जो जुल्म देखा, उसके बाद उनके फैमिली बैकग्राउंड और उन सब चीज़ों के बारे में आप उस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हर एक हिंदुस्तान में स्टूडेंट का सपना होता है कि यहाँ आके पढ़ूँ, उसके बारे में भी वहाँ के प्रिंसिपल सुफियान बेग साहब का वीडियो आप उसको भी देख सकते हैं।
और अभी जो आप देख रहे हैं ये भी आप देख ही रहे हैं, और आगे इसको आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपकी मर्जी है, ना करने का वजह कमेंट में बताएं, और क्या आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया ये कमेंट में बताएं, ताकि हम लोगों को भी पता चले और उसमें सुधार कर सकें। आप देख रहे थे hindraaz.com, खबर वही जो आपके लिए सही, और मैं आपका दुरुस्त।